वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे विल डिस्कस व्हाट इज मार्केट शेयर एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। आज हमने इस लेक्चर के अंदर देखने कि मार्केट शेयर जो है ना ये क्या है और इसका जो कैलकुलेट है कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट इसको किया जाता है। द पार्ट ऑफ परसेंट आर अमाउंट ऑफ द मार्केट ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी इज टर्म्ड द मार्केट शेयर। इन सिंपल वर्ड मार्केट शेयर डिफाइन द टोटल सेल्स ऑफ अ कंपनी कंपेयर टू द टोटल सेल्स ऑफ द इंटायर इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स। किसी कंपनी के जरिए हासिल करना जो मार्केट का हिस्सा या परसेंटेज या इसकी क्वांटिटी जो होती है ना, मकदार जो होती है ना, उसको मार्केट शेयर का नाम दिया जाता है। अगर सिंपल अल्फाज जो हैं इसमें देखते हैं तो मार्केट शेयर पूरी सनत की कुल जो फरोख्त के मुकाबले में कंपनी की कुल जो फरोख्त टोटल सेल जो होती है उसकी वजाहत करता है जिसमें वो जो है ना काम करती है। ये इसकी ऑपरेटिंग इंडस्ट्री में कंपनी का तनासब जो है ना परसेंटेज होता है, उसका रेशियो वगैरह फाइन जो फीसद जो होता है ना उसका देता दे रहा होता है। अगर मार्केट शेयर को जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उसका नुक्ता नज़र से देखा जाए तो मार्केट शेयर वो परसेंटेज होगा जो कंपनी किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस में जो है ना कस्टमर की तरफ से की गई तमाम खरीदारियों में रखती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सार्फ मजमूई तौर पर जो है ना शैम्पू की 100 बोतलें जो है ना 100 बोतलें ख़रीदता है और एक मखसूस शैम्पू बनाने वाला जो है ना 30 बोतलें जो है ना फरोख्त करता है, 30 बोतल जो है ना वो फरोख्त करता है, तो मखसूस कंपनी के जो पास है 30% मार्केट शेयर है पड़ा। मार्केट शेयर का जो ये हिसाब है ना, एक मखसूस टाइम फ्रेम के दौरान जो है ना कंपनी की टोटल जो फरोख्त होती है, सेल हो रही होती है, उसके टाइम के दौरान अंदर जो है ना काम करने वाली जो सनत होती है उसकी कुल फरोख्त को रखता है। अगर हम इसके दूसरे अल्फाजों में देखते हैं तो मार्केट शेयर की जो किसी तंजीम या कंपनी के ज़रिए हासिल करता मार्केट का हिस्सा या परसेंटेज है पड़ी। सनत की जो कुल फरोख्त है ना उसके बारे में कंपनी की जो कुल फरोख्त कंपनी का मार्केट शेयर है पड़ा। अगर मार्केट शेयर को ग्राहक के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो मार्केट शेयर वो परसेंट होगा जो कंपनी किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस में ग्राहक जो होता है उसकी तरफ से की गई तमाम खरीदारियों में रखती है। मार्केट शेयर का ये हिसाब एक मखसूस टाइम फ्रेम के दौरान जो है ना कंपनी की टोटल जो सेल हो रही होती है और इसके टाइम के अंदर जो है ना काम करने वाली जो सनत है उसकी कुल फरोख्त को रखता है। वो कंपनी जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है वो और आम तौर पर मार्केट पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना असर और रसूख रखती है, तो इंडस्ट्री में जो है ना मार्केट लीडर कहा जाता है। मार्केट शेयर की टू टाइप्स हो सकती हैं, वैल्यू शेयर और वॉल्यूम शेयर। अब जो है ना हम देखते हैं वाई इज़ मार्केट शेयर इंपॉर्टेंट, जो मार्केट शेयर है ना ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अहम है पड़ा। फर्स्ट है मेजरमेंट टूल, पैमाइश का जो आला है पड़ा। मार्केट शेयर किसी खास प्रोडक्ट के लिए जो है ना कस्टमर की दीगर इसी तरह के मसनूआत पर तरदी का पैमाना है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट शेयर ज़्यादा होगा, फरोख्त इतनी ही ज़्यादा होगी और फरोख्त को फरोग जो है ना देने के लिए जितनी कम हो कोशिश की ज़रूरत होगी, बिलाखिर हरीफ जो होते हैं उसके लिए इस पोजीशन में दाखिल होने के लिए एक मजबूत जो है ना ये रुकावट बनती है। सेकंड पॉइंट है की इंडिकेटर, जो कलीदी इशारे होते हैं मार्केट शेयर कंपनी की सबकत को समझने का जो है ना इसका की इंडिकेटर है पड़ा। मार्केट शेयर में इजाफा का जो मतलब है ना कंपनी के प्रॉफिट में बेहतरी है पड़े। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी के जो साइज़ में है ना इजाफे के साथ वो अपनी पैदावार को बढ़ाते हैं और फिर कम कीमत पर जो है ना मसनूआत पेश कर सकते हैं जो बिलाखिर इनके हरीफ जो होते हैं उसके लिए तरक्की को मदूर कर देती हैं। थर्ड पॉइंट है कंपटीशन, जो मुकाबला कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात जो है ना यह मुकाबला जो कंपटीशन है इस लेवल तक पहुँच जाता है कि कंपनी जो है ना उसके हरीफ जो होते हैं ना बाहर धकेले जाए या इन्हें दिवालिया कर दिया जाता है, इस पर ये मजबूर हो जाते हैं दिवालिया होने पर, इन्हें खसारे में कंपनी चलना शुरू हो जाती है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए जो है ना उसके बाद जो है ना कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकती है और फिर अपनी जो कीमतें हैं प्राइसेस वगैरह वो भी बढ़ा सकती है। लास्ट इसका है फोर्थ वन इफेक्ट मार्केट्स, इफेक्ट्स मार्केट जो है ना मार्केट को मुतासर करता है, मालियाती मंडियाँ मार्केट्स वगैरह मार्केट शेयर जो होते हैं एक अहम जो हैं इसका।
जो स्टॉक की प्राइसेस हैं उसको मुअसर तरीके से मुतासर करता है। ये साइक्लिकल जो है ना सनतें वगैरह में कम प्रॉफिट के मार्जिन और ज़बरदस्त मुसाबकत के साथ होता है। मार्केट शेयर में मामूली तब्दीली सरमायाकारों के जहनों की में ताकत और कमज़ोरी पैदा कर सकती है। अब जो है ना इसका मार्केट शेयर का जो फार्मूला है ना उसको देखते हैं। मार्केट जो शेयर है ना इक्वल है टोटल कंपनी रिव्यू डिवाइडेड बाय टोटल इंडस्ट्री रिव्यू एंड मल्टीप्लाई हो रहा है इसका 100 से। इस तरह से क्या हो रहा है जो मार्केट शेयर है ना वो हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले को यूज़ करके। नेक्स्ट जो है ना वो है हाउ डू यू मेजर मार्केट शेयर। आप जो है ना मार्केट शेयर को जो पैमाइश है ना मेजर है ना वो कैसे कर सकते हैं। मार्केट शेयर की पैमाइश के मुख्तलिफ मेथड्स हैं अपने तरीक़ाकार हैं जिनमें से जो अमूमी तरीक़ाकार ये है कि पूरी सनत के हवाले से फ़रोख के बाद फ़ीसद का हिसाब लगाया जाता है, परसेंटेज जो है ना उसको देखा जाता है। इसमें है फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पीरियड टू एनालाइज द मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का जो एनालाइज करने के जो टाइम है पीरियड है अपने मुद्दत है। माली बयानात से महाना सामाही या सालाना डाटा हासिल किया जा सकता है। इसको जो है ना एक को जहन में रखना चाहिए और दो अतराफ से मालूमात दरकार होनी चाहिए। एक खास हदफ वाली जो कंपनी होती है और दूसरी जो है पूरी सनत के से जो है ना जिसमें वो कंपनी काम करती है। सेकंड पॉइंट है सिलेक्ट द बेसिस फॉर मार्केट शेयर, जो मार्केट शेयर के लिए बुनियाद मुंतखब कर रहे हैं। आमतौर पर मार्केट शेयर का जो तयन फरोख्त के मकदार से होता है। बहरहाल जो है ना कंपनी के गैर मालियाती पहलुओं को भी मुंतखब किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के कस्टमर जो ग्राहक होते हैं उसकी कुल जो तादाद होती है ना उसका मुवाजना पूरी सनत में सार्फीन की कुल तादाद से किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है डिटरमाइन द इंडिविजुअल टोटल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के इनफरादी कुल का तयन कर रहा होता है। ये या तो पहले तयशुदा टाइम पीरियड होता है ये कुल फरोख्त हो सकती है या फरोख्त की गई जो कुल इकाइयाँ टोटल यूनिट्स होते हैं। ये डाटा मुतद्दिद आज़ाद ज़राए जो होते हैं उससे हासिल किया जा सकता है जैसे कि ट्रेडिंग ग्रुप्स वगैरह कंपनी की तरफ से जारी करदा वक्तन फवक्तन मालियाती इंकशाफात वगैरह या रेगुलेटरी बॉडीज़ वगैरह इसके अंदर शामिल हैं पड़ी। नेक्स्ट फोर पॉइंट है डिटरमाइन द टोटल ऑफ द इंटायर इंडस्ट्री, जो पूरी सनत के कुल का तयन कर रहता है। इस कदर का पिछले मरले में जो है ना मार्केट से तल्लुक होना चाहिए, ये एक ही टाइम फ्रेम का होना चाहिए और ये एक ही तरीक़ाकार को यूज़ करना चाहिए। फ़र्ज़ करें पिछले मरले में जो है ना एक मखसूस इलाका मुंतखब किया गया है तो इस मरले में भी इसकी मखसूस इलाके की वजाहत ज़रूरी है पड़ी। लास्ट पे आता है कंपेरिज़न, मुवाजना इसका करना पड़ता है। जो ऊपर हमने पॉइंट देखे हैं ना मरलावार जो है ना हासिल होने वाली जो कदर है उसको तकसीम किया जाना चाहिए, यानी सनद के डाटा के साथ कंपनी का डाटा भी देखना चाहिए। ये 1% एक फ़ीसद देता है जो कुल मार्केट टोटल मार्केट में कंपनी की जो मौजूदगी की नुमाइंदगी कर रहा होता है। बड़ी फीसद जो होता है ना बड़ी परसेंट जो निकल रहे होते हैं कीमत वाली कंपनी ज़्यादा मार्केट का अहाता करती हैं। ये मार्केट का शेयर जो है ना वो ज़्यादातर हिस्सा जो है ना 100 या 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100% से ज़्यादा इसका हिस्सा जो होता है वो नहीं होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ मार्केट शेयर, जो मार्केट शेयर है इसके क्या बेनिफिट्स हैं क्या फ़ायदा है पड़े। तो फर्स्ट है द इन्वेस्टर्स एंड द फाइनेंशियल एनालिस्ट क्लोजली एग्जामिन द फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट शेयर एज इट सिग्निफाइज। सरमायाकार और जो मालियाती तजज़ियाकार जो होते हैं ना जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं मार्केट शेयर के उतार चढ़ाव का जो है ना क्लोजली जो है ना उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं क्योंकि ये कंपनी की जो मसनूआत या खिदमात की निस्बतन जो है ना मुसाबकत की निशानदेही कर रहा होता है। सेकंड बेनिफिट जो है ना अ कंपनी दैट इज़ ग्रोविंग इट मार्केट शेयर, एक कंपनी है जो अपने मार्केट शेयर में जो है ना उसमें इंक्रीजमेंट कर रही है, इजाफा कर रही है, अपनी फरोख्त अपनी हरीफों के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ा रही है, जो उसके सेल हो रही होती है ना उसको फास्टर करती है कंपटीटर के मुकाबले में उनके साथ कंपीट कर रही होती है ताकि वो मुझसे ज़्यादा नंबर से के खुद अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। थर्ड पॉइंट है विद द ग्रोथ ऑफ द टोटल मार्केट शेयर ऑफ द ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस के कुल मार्केट और टोटल मार्केट शेयर में जो है ना इजाफे के साथ अगर कोई कंपनी अपने मार्केट शेयर को बरकरार रखती है रख सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इसी रफ्तार से आमदनी पैदा कर सकती है इस रफ्तार से कुल मार्केट की जो तरक्की हो रही होती है। फोर्थ पॉइंट जो है ना इसका है
An increase in the market share can help company to obtain the larger scale in its operation. मार्केट शेयर में जो है ना इजाफा कंपनी को अपने कामों में बड़े पैमाने पर हासिल करने और प्रॉफिट में इजाफे करने में जो है ना इसका हेल्प कर रहे होते हैं। मार्केट शेयर में जो इजाफा हो रहा होता है कंपनी को अपने कामों में बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर जो है ना हासिल करने और प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट करने में जो है ना इसकी मदद कर सकता है ये। फिफ्थ बेनिफिट जो है ना टू इंक्रीज द कंपनी मार्केट शेयर, जो किसी कंपनी का मार्केट शेयर है ना बढ़ाने के लिए वो या तो अपनी मसनूआत की कीमतें जो है ना वो कम कर सकते हैं या जो प्रमोशनल गवर्नमेंट्स होती है हिकमत अमली होती हैं इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं या मार्केट में जो नई मसनूआत प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो मुतारफ़ करवा सकती हैं। इस तरह से जो क्या है इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लास्ट बेनिफिट है कंपनी जो अपने जो हम कंपटीटर होते हैं जो इसके सामीन होते हैं जो इसके ऑडियंस हैं या दीगर आबादियात होती हैं या डेमोग्राफिक जो होती हैं इसके बढ़ाकर जो है ना अपने मार्केट शेयर का जो साइज़ है वो भी बढ़ा सकती हैं। जिससे क्या होता है वो टारगेट करती हैं इसको एक्सपेंड करने में जो मार्केट शेयर है उसको एक्सपेंड करने में उसका साइज़ जो है इंक्रीज़ करती हैं ऑडियंस जो है उसको अपनी बढ़ाकर और जो डेमोग्राफिक्स होती हैं इसको बढ़ाकर जो है इस तरह से कंपनी अपने मार्केट शेयर को डिवेल्प कर सकती है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट्स ऑफ मार्केट शेयर, जो मार्केट शेयर के जो असरात हैं पड़े। फर्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की जो मुश्तें होती हैं किसी कंपनी के मार्केट शेयर में जो है ना इंक्रीजमेंट कंपनी के अपने कामों को बढ़ाने और प्रॉफिट को बेहतर बनाने की इजाज़त देता है। ये कंपनी को दूसरे जो हरीफ होते हैं उस पर लागत जो थी कॉस्ट फ़ायदा हासिल करने का मज़ीद जो है ना इजाज़त उसे दे रहा होता है। सेकेंड जो इम्पैक्ट्स है ना वो है ग्रोथ इन सेल्स, जो फ़रोख्त हो रही होती हैं चीज़ें उसमें क्या इंक्रीज़ आ रहा होता है इजाफा हो रहा होता है। मार्केट शेयर में इजाफे के साथ कंपनी की जो टोटल फ़रोख्त है उसमें इजाफा किया जा सकता है। जब जो कस्टमर हैं ग्राहक होते हैं इसके किसी ख़ास कंपनी के जो है उसका तयन कर रहे होते हैं अपने साथियों के दरमियान जो ब्रांड या उसकी वफादारी का जो है ना मुशाहिदा करते हैं तो दूसरे सार्फिन भी इस मखसूस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने उनकी जो है ना इसे इसकी तरफ खरीदने की तरफ जो है उसे रागिब हो रहे होते हैं और मज़ीद उसे करते हैं। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव कस्टमर बेस, जो कस्टमर बेस को बेहतर बनाते हैं। जैसे जैसे किसी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता है कस्टमर इस कंपनी पर यकीन करने पर लग जाता है और इसके कस्टमर जो है ना वसी हो जाते हैं। जब किसी ज़्यादा तरगाह जो है ना किसी ख़ास ब्रांड या प्रोडक्ट की पैरवी करते हैं तो उसे दूसरी ग्राहक जो होते हैं उस पर भी ब्रांडेड या प्रोडक्ट की जो है ना उसकी तरफ रागिब होना शुरू हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है ना गुड वेल कैर्स गाड़ी होता है। अगर किसी कंपनी की मार्केट शेयर बेहतर होती है तो कंपनी की जो है ना गुड वेल या साख भी बढ़ सकती है। एक अच्छी साख जो होती है ना सेल्स को बढ़ाने और कस्टमर बेस को वसी करने की सलाहियत रखती है। नेक्स्ट जो है ना इसका पॉइंट फिफ्थ पॉइंट जो है इंडस्ट्री ड्रोमी नैनसम सनत का जो गलबा होता है। अगर मार्केट शेयर बढ़ाते हैं तो कंपनी अपने ऑपरेटिंग जो इंडस्ट्री होती है उस पर भी अपना गलबा बढ़ा सकती है। सिक्स पॉइंट है इनहेंस बारगेनिंग पावर, जो सौदेबाजी की जो ताकत है ना पावर है उसको बढ़ा देता है। अगर कोई कंपनी सनत पर गलबा हासिल कर सकती है तो वो सौदेबाजी जो है ना उसकी पावर और कुछ दूसरी ताकतों को हासिल कर सकती है। मार्केट शेयर में इजाफा जो होता है ना उसके साथ कंपनी का ऊपरी हाथ जो होता है ना वो हो सकता है और वो अपने सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना उसके साथ अपने बेनिफिट्स के लिए बातचीत कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सनत की जो कस्में होती हैं वैराइटीज़ होती हैं टाइप्स होती हैं। अगर किसी कंपनी के बाजार जो एसेस वगैरह होते हैं उसमें तब्दीली आती है तो कंपनी की कारकर्दगी बड़े पैमाने पर मुतासर हो सकती है। जैसा कि या बाले या चक्राती जो होती हैं चक्राती वगैरह होती हैं सनत में हो रही होती है। अगर तब्दीली कंपनी की कारकर्दगी पर कम से कम असर डालती है तो वो तरक्की की जो है ना सनत में मौजूद है बड़ा। अब जो है ना हम देखते हैं हाउ कैन कंपनीज इंक्रीज मार्केट शेयर, जो कंपनियां हैं पड़े ना अपने मार्केट शेयर को कैसे बढ़ा सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, जो तरह जो है ना इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। इनोवेशन मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए जो है ना बेहतरीन तरीकों में से एक ये है पड़ा, जो जिद्दत की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं जैसे कि प्रोडक्ट्स में जो है इसमें पैदावार के मेथड कार जो होते हैं मेथड्स वगैरह होते हैं
या मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करा रहे हैं, जो हरीफ जो होते हैं उसको धचका दे सकते हैं, जो कंपिटेटर होते हैं उसको कम्पीट कर देता है। एक तरह टेक्नोलॉजी जो है, तकनीकें वगैरह हैं, कंपनी को अपने हरीफ जो होते हैं उस पर बढ़तरी दे सकती है और सनत में जो है ना गाले पोजीशन फ्राहम कर सकती है। ये तरीका जो होता है ना कस्टमर को अपनी तरफ जो है ना मुतवज्जा करेगा, जो कंपनी के मार्केट शेयर में जो है ना इजाफा करेगा। सेकंड पॉइंट है इनहेंस कस्टमर रिलेशनशिप, जो कस्टमर जो होते हैं उसके तलुकात को बेहतर बनाते हैं। मार्केट शेयर हासिल करने के जो है ना कस्टमर के वफादार बनाना एक अहम तकनीक है पड़ी, क्योंकि जब इन पर कस्टमर के साथ वफादारी बनाते हैं तो वो मज़ीद आप लोग जो कंपनी होती है उससे प्रोडक्ट वगैरह खरीदने पर जो है ना तवज्जो देता है। सार्फिन के तल्लुकात को मजबूत बनाने से जो कंपनियों के हरीफ होते हैं उसकी जानब से पुरकशिश पेशकशों की वजह से जो है ना मौजूदा सार्फिन के बाहर जाने से ग्रेज करते हैं, वे मार्केट पर अपनी मौजूदा जो गिरफ्त होती है उसको बचाने में जो है ना मदद मिलेगी इन्हें। उसमें रिलेशनशिप की जो तमीर होती है उस पर तवज्जो मरकूज करके कंपनी जो होती है ना सार्फिन के अत्मीनान पैदा कर सकती हैं, जो मुतमिन सार्फिन से लेकर इनके करीबी अजीज वगैरह जो होते हैं उस तक जो है ना बात की वजह से ना कस्टमर बेस को बढ़ाने में जो है ना मदद फराहम करेंगे। नेक्स्ट जो है ना एक्विजिशन जो है ना मार्केट शेयर बढ़ाने का एक मजबूत तरीका जो है ना है पड़ा, एक मुद्दे मुकाबले को हासिल करना और सनत पर गलबा बढ़ाना इससे हासिल हो सकता है। असूल कंपनी जो है ना जो एक्विजिशन जो कंपनी है पड़े इसको अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने में जो है ना हेल्प हो रही होती है, क्योंकि हासिल करदा जो कंपनी है उसके सार्फिन भी नई कंपनी के कस्टमर बेस में आते हैं। इसे मार्केट में जो है ना मुसाबका जो है ना कम हो गई है और आखिरकार मार्केट शेयर बढ़ा देगा। ये इस तरह जब कोई भी कंपनी या तरक्की की सनत में होती है तो इंतज़ामिया अक्सर जो है ना अपने फ़ायदे के लिए जो है ना किसी मद्दे मुकाबले को हासिल करने की कोशिश करती है। फोर्थ पॉइंट इसका है रिड्यूस प्राइस विद बेटर क्वालिटी, बेहतर जो मेयार है ना उसके साथ क्वालिटी के साथ जो है ना प्राइस वगैरह भी कम कर सकती हैं। ये प्रोडक्ट और सर्विस जो हैं अपने इनकी प्राइस जो कम करके कंपनी अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि कम कीमत ज़्यादा सार्फिन को राग़िब कर सकती है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जब प्राइसेस कम होंगी। अगर कस्टमर जो है उसकी तादाद में इजाफा किया जाए तो ज़्यादा फरोख्त होगी, जिसके नतीजे में जो कंपनी है उसका मार्केट शेयर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मौजूदा दौर में जो है ना सार्फिन वो मसनूआत खरीदते हैं जो आला मेयार की हों। और इसका फिफ्थ पॉइंट है हायर टैलेंट, जो टैलेंट जो है उसकी खिदमत हासिल करें, उसको हायर करें। अगर बासलाहियत जो मुलाजमीन बोर्ड में है मौजूद हैं तो कंपनियों को तरबियत का कारोबार जो है ना या तरबियत या उसका कारोबार पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपना टाइम और वसाइल रिसोर्स वगैरह जो है ना बुनियादी सलाहियतों की तमीर के लिए वक्फ कर सकती हैं। बेहतरीन या बासलाहियत मुलाजमीन को मुसाफ़ी तनख्वाहें दी जाएँ, बेनिफिट्स फराहम करके रखा जा सकता है, जिसमें वो निज़ाम जो कार वगैरह हैं और इसमें वक्तन फवक्तन जो है आरामदेह काम का कल्चर शामिल हो सकता है इसके अंदर। अगर हम इसके जो टोटल है इसका इसमें बात करते हैं तो हम इसके जो स्ट्रेटजीज हैं ना उसको हम पहले देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट स्ट्रेटजीज आर यूज टू गेन मार्केट शेयर जो है ना उसको हासिल करने के लिए कौन सी हिकमत अमलियाँ जो हैं यूज़ की जा सकती हैं। तो फर्स्ट जो है ना इट मे इनिशिएट बाई इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, ये ग्राहकों को अपने तरफ मुतवज्जो करने के लिए जो है नई जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी है या तकनीक वगैरह है उसको मुतारफ करवा कर जो है ना शुरू कर सकता है। कंपनियाँ जो होती हैं ना उसको इन इख्तराआत जो हो रहे होते हैं उनको मुतारफ करवा कर जो है ना इंट्रोड्यूस करवा कर ना इनोवेशन को, तो उसको पहली कंपनी बन सकती है ये, जिससे वो अपने खरीफ जो होते हैं उसमें बढ़तरी जो है ना उसके हासिल कर सकती है, जो उसके कंपिटेटर होते हैं ना उसको हरा कर खुद वन पॉइंट पे आ सकती है। सेकंड पॉइंट है अदर मेथड कैन बी बिल्डिंग द, एक और तरीका कार मौजूद है सार्फिन के दरमियान ब्रांड वगैरह की वफादारी को फ़रोग देना और लफ्जी जबान के दरमियान ज़रिए से जो है ना कस्टमर बेस को बढ़ाकर कस्टमर तल्लुक रिलेशन उसकी तमीर पर परवरिश कर सकता है। थर्ड पॉइंट है एन एडिशन टू दिस इफ़ कंपनीज हायर स्किल्ड एम्प्लॉय,
इसके अलावा अगर कंपनी जो है हुनरमंद जो हायर सप्लाइड स्किल्स होते हैं ना उसको मुलाजमीन के तौर पर खिदमत हासिल करती हैं, तो इसमें टर्नओवर जो होता है और मुलाजमीन की तरबियत के अखराजात वगैरह जो है ना कम हो जाएंगे। ये कंपनियों को अपनी बुनियादी सलाहियतों पर जो है ना ज़्यादा तवज्जो जो है ना उसको मरकूज़ करने की इजाज़त दे सकता है। फोर्थ पॉइंट में जो है ना ये बात की गई है कि मज़ीद मार्केट शेयर हासिल करने के लिए कंपनी जो है अपने सामान वगैरह जो गुड्स होते हैं उसकी प्राइसेस कम करने, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस वगैरह कम करके जो है ना कोशिश करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन जो होते हैं उसकी तरफ रागिब हो सकें। तो यह प्राइसेस जो है ना कम करना बाज़ुकात कंपनी को ऑपरेटिंग जो इंडस्ट्री है उसमें मार्केट लीडर बना सकता है। फिफ्थ पॉइंट में जो है ना ये बात की गई है कि कम प्राइसेस के साथ साथ जो है ना आजकल सार्फिन आलम मेयार की मसनूआत प्रोडक्ट वगैरह और सर्विसेज वगैरह को तरजीह देते हैं। अगर कोई कंपनी मसनूआत और खिदमात जो होती हैं उसके मेयार पर समझौता किए बगैर कम कीमत फराहम कर सकती है तो इसके कस्टमर बेस में जो है ना इसमें इंक्रीजमेंट होगा, जिसके नतीजे में इसका मार्केट शेयर जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें बेहतरमेंट होगी। और लास्ट पॉइंट जो है ना फाइनली बात जो की गई है, अगर कोई कंपनी किसी मध्य मुकाबल जो होते हैं उसको हासिल कर लेती है तो इससे मार्केट में जो मुसाबकत है ना वो कम हो जाएगी और इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है ना वो उसको बढ़ाने के लिए जो है ना बिलाखिर मार्केट शेयर में जो है ना इजाफा हो जाएगा। अब हम इसकी जो है ना टोटल ओवरऑल बात करते हैं कि मार्केट शेयर जो है ना इसमें सनत में किसी ख़ास कंपनी की पोजीशन के जानने की एक अहम खसूसियत में से एक है पड़े जिसमें वो काम करते हैं। एक जो बड़ा मार्केट शेयर सनत में इसके जो हरीफ होते हैं कंपटीटर होते हैं उसके मुकाबले में कंपनी ज़्यादा फरोख्त को जहर करना है। मार्केट शेयर कंपनी की तरफ से जो सनत के कुल से तादाद टोटल जो होता है उसके मुतालिक जो टोटल फरोख्त हो रही होती है या आमदनी काफ़ी परसेंटेज है पड़ा। मार्केट शेयर की जो कदर होती है वैल्यू होती है तो कंपनी के साइज़ और इसके जो सनत में असर रसूख जो है उसको भी जहर करती है। यह जो इसकी कदर है कंपनी की तरक्की और कामयाबी में भी इशारा देती है। लिहाजा कंपनी या तंजीमें वगैरह हमेशा अपने जो कंपटीटर्स होते हैं उससे आगे बढ़ने के लिए जो है ना कुछ जो है ना हिकमत अमली करती हैं और तकनीकें वगैरह जो है ना वो यूज़ करती हैं ताकि हम दूसरों से आगे निकल सकें और बाज़ार में इनका बड़ा हिस्सा शामिल हो सके। कुछ तकनीकें वगैरह आला मेयार की मसनूआत और खिदमात वगैरह जो है फ्राहमी जो कर रही होती है, कुछ अच्छी मार्केटिंग वगैरह कर रही होती हैं, प्रमोशनल तकनीकें वगैरह को नाफिज कर रहे होते हैं, जदीद टेक्नोलॉजीज को नाफिज करने और जदीद मसनूआत तैयार करना, रीफ वगैरह जो उसके होते हैं उसको हासिल करने में इनोवेशन वगैरह को हासिल करना और आखिर में जो है ना सार्फिन की वफादारी वगैरह पैदा करने इसके अंदर शामिल होता है। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।